सत श्रीकाल जी, तुसीं वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते मैं हाँ मनदीप सिंह वल्लों। पर इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर बलवंत सिंह राजोवाणा दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। तुहानूं दस दईए कि बलवंत सिंह राजोवाणा दे वल्लों फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद दे विच बदलण दे लई सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन लगाई गई सी, जिस दे उत्ते अज सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ते साडे नाल ने जसपाल सिंह ढिल्लों जी, उहनां तों जाणदे हां की है जी पूरा मामला। ढिल्लों साहब, की है जी पूरा मामला? 31 अगस्त 1995 जी, चंडीगढ़ सिविल सकत्तरेत दे बाहर कार दे विच एक बंब धमाके दौरान साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दा कतल हो गया सी। उन्हां दे नाल कुछ होर बंदे भी मारे गए सन। इस मामले दे विच होरना समेत बलवंत सिंह राजोवाणा नूं भी पुलिस ने गिरफ्तार किया सी। और 2007 दे विच राजोवाणा नूं फांसी की सज़ा सुनाई गई सी। 2010 दे विच जदों इस मामले नूं चुनौती दित्ती पंजाब ते हरियाणा उच्च अदालत च, 2010 दे विच उन्होंने भी यह फैसला भाई बलवंत सिंह राजोवाणा वास्ते सर कायम रखिया, भाव फांसी की सज़ा कायम रखी। शुरुआती दौर दे विच भाई बलवंत सिंह कोई अपील नहीं चाहते सी वी मेरी कोई अपील पाई जावे। जिन्ना कि मैनू याद है उन्हां दी अपील श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाई सी रहम दी, उन्हां दी फांसी नूं उम्र कैद विच तब्दील किया जावे। उन्हां वल्लों जिहड़े वकील सी श्री रोहतोगी वो पेश होंदे आ रहे सी, मुकल रोहतगी। अज फिर अदालत ने यह फैसला राखवा रख लिया। रोहतोगी साहब की दलील सी कि बलवंत सिंह राजोवाणा 26 साल तो जेल च है, उम्र कैद के कोई व्यक्ति जिनी सज़ा कटदा उन्नी वो कट चुके है, ये उहदे मौलिक अधिकारां दी उलंघना है। कहिंदे भी जे कोई लंबा समा अदालत जेलां च रहे उहदी उलंघना है। 2012 तो यह पटीशन लंबित पई है, 23 आ गया, ये भी वह कहिंदे अदालती हुक्मां दी उलंघना है। जदों इह घटना वापरी सी उस वेले बलवंत सिंह होरी पूरे भर जवान सी और केंद्र दे फैसले दा इंतजार किया जा रहा सी। अदालत नूं इस फैसला देना चाहिए। रोहतगी ने कहा यह अणमनुखी है, बदलवे रूप में राजोवाणा की जिहड़ी अपील है फैसला ना हुण तक पैरोल ते रहा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देरी लई केंद्र खिलाफ मान हानि केस भी किया जा सकता है, पर मैं एक गल कहां ये बहुत लंबा केस हो गया, केंद्र सरकार नूं इहदे विच कोई ना कोई फैसला करना चाहिए। हो सकता उन्होंने लिख के देता, इस करके सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राखवा रख लिया। दसन योग है कि जदों बेअंत सिंह होरां दा कतल होया सी भाई राजोवाणा पंजाब पुलिस विच सन, वह एक जलंधर तो शब्द बड़े हिंदी अखबार के पत्रकार के अंग रख के वजो ड्यूटी करते सन। मेरा ख्याल है राजोवाणा होरी सिर्फ अपने पिता के भोग से जान समय जां एक अद्धी बार होर हो सकता है पैरोल ते आए सन, जां जदों उन्हां दी सेहत बिगड़दी है उदों जेल तो बाहर रजिंद्रा हस्पताल जां किसी होर सेहत केंद्र तक उन्हां नूं लिजाया जांदा है। हुण इह फैसले दे विचों की निकलदा है अगले दिनों के पता लगेगा। डॉक्टर साहब, लगता है कि 2024 दी चोणों तो पहला BJP बलवंत सिंह राजोवाणा नूं रिहा कर सकती है जी? देखो पहले तो आही फैसला सुप्रीम कोर्ट की करती है जी, उहदे विच इन्हां ने लिख के की दिता है, ये सारियां चीज़ां बनदियां ने। जे उन्हां नूं दिता जांदा है
ਤੇ ਰਾਜੋਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਖੇਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਲ, ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਧਰੋਹਰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਬਾਤ, ਅਬ D5 ਚੈਨਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਗਾ ਸਰ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।